हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 2 × 5 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 12 के इक्वल दिया गया है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 3 × 6 जिसका सम आपका इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल बताना है कि किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट 4 × 8 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 36 के इक्वल दिया गया है, और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9 × 8 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 81 के इक्वल दिया गया है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 2 × 5 जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और आपको यहां पे इक्वल दिया गया है 12 के इक्वल दिया गया है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 3 × 6 जिसका सम आपका इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। नेक्स्ट 4 × 8 जिसका सम आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 36 के इक्वल दिया गया है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लास्ट में आपको क्या दिया गया है, 9 × 8 जिसका सम आपका इक्वल होगा 72 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 81 के इक्वल दिया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है x × y करना है, और उसके बाद आपको उसमें प्लस करना है, एक्स को प्लस करना है। चलिए इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज रहेगी वो रहेगी फर्स्ट नंबर्स, एंड जो वाई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी सेकंड नंबर्स रहेगी। चलिए इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है x × y करना है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, और जो वाई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2 × 5 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और 10 में प्लस करना है आपको x को प्लस करना है, जो कि आपका रहेगा 2, यानी कि आपको प्लस करना है 10 + 2 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा, और 12 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह से सेम फॉर्मूला का यूज करके हम नेक्स्ट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 4, और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8, यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4 × 8 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, और 32 में आपको प्लस करना है x को प्लस करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4, यानी कि आपको प्लस करना है 32 + 4 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, और 36 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है x × y करना है। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9, और जो वाई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी यहाँ पे आपका 8 रहेगी, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 9 × 8 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 72 के इक्वल होगा, और 72 में आपको प्लस करना है x को प्लस करना है, जो यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपका यहाँ पे 9 रहेगी, यानी कि आपको प्लस करना है 72 + 9 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 81 के इक्वल होगा, और 81 आपको मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह से सेम फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसी सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है x × y करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3, और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6, यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 × 6 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा, और 18 में आपको प्लस करना है x को प्लस करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 3 रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे प्लस करना है 18 + 3 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 21 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।